साथियों, पिछले 6 दशकों में सीबीआई ने मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डिसिप्लिनरी जांच एजेंसी के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। आज सीबीआई का दायरा काफी बड़ा हो चुका है। बैंक फ्रॉड से लेकर वाइल्ड लाइफ से जुड़े अपराधों, यानी यहां से यहां तक, महानगर से लेकर के जंगल तक अब सीबीआई को दौड़ना पड़ रहा है। ऑर्गेनाइज क्राइम से लेकर साइबर क्राइम तक के मामले सीबीआई देख रही है, लेकिन मुख्य रूप से सीबीआई की जिम्मेदारी भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करने की है। भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं होता। भ्रष्टाचार गरीब से उसका हक छीनता है। भ्रष्टाचार अनेक अपराधों का सिलसिला शुरू करता है, अपराधों को जन्म देता है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। विशेष रूप से जब सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार हावी रहता है तो वो लोकतंत्र को फलने फूलने नहीं देता। जहां भ्रष्टाचार होता है वहां सबसे पहले युवाओं के सपने बलि चढ़ जाते हैं, युवाओं को उचित अवसर नहीं मिलते। वहां सिर्फ एक विशेष इकोसिस्टम ही फलता फूलता है। भ्रष्टाचार प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और यहीं से भाई भतीजावाद, परिवारवाद पनपता रहता है और अपना शिकंजा मजबूत करता रहता है। जब भाई भतीजावाद और परिवारवाद बढ़ता है तो समाज का, राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता जाता है, और जब राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता है तो विकास अवश्य प्रभावित हो जाता है। दुर्भाग्य से गुलामी के कालखंड से करप्शन की एक लेगेसी हमें मिली है, लेकिन दुख इस बात का है कि आजादी के बाद के अनेकों दशकों तक इस लेगेसी को हटाने के बजाय किसी न किसी रूप में कुछ लोग उसको सशक्त करते गए। साथियों, आप याद कीजिए, 10 वर्ष पहले जब आप गोल्डन जुबिली मना रहे थे तब देश में क्या स्थिति थी? तब की सरकार के हर फैसले, हर प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में थे। करप्शन के हर केस में पहले के केस से बड़ा होने की होड़ लगी हुई थी। तूने इतना किया तो मैं इतना करके दिखाऊंगा। आज देश में इकोनॉमी की साइज के लिए लाख करोड़ यानी ट्रिलियन डॉलर की चर्चा होती है, लेकिन तब घोटालों की साइज के लिए लाख करोड़ की टर्म मशहूर हुई थी। इतने बड़े बड़े घोटाले हुए लेकिन आरोपी निश्चिंत थे। उन्हें पता था कि तब का सिस्टम उनके साथ खड़ा है। और इसका असर क्या हुआ? देश का व्यवस्था पर भरोसा टूट रहा था। पूरे देश में करप्शन के खिलाफ आक्रोश लगातार बढ़ रहा था। इससे पूरा तंत्र छिन्न भिन्न होने लगा। लोग फैसला लेने से बचने लगे। पॉलिसी पैरालिसिस का माहौल बन गया। इसने देश का विकास ठप कर दिया।
देश में आने से निवेशक डरने लगे। करप्शन के उस कालखंड ने भारत का बहुत ज्यादा नुकसान किया।